गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज भारतीय संविधान का सेकंड लेक्चर है। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। इसमें हम लोग भारतीय संविधान का कुछ पोर्शन पहले हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान का किस प्रकार से विकास हुआ था, या ये कह सकते हैं कि भारत संविधान के बनने से पहले का जो इतिहास था, किस प्रकार से अंग्रेजों ने इसका सत्ता को चलाने के लिए किस प्रकार से नियमों को लागू किया और बाद में जा कर के वही हमारे संविधान को बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो पहले हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जैसा कि कल हमने बताया था कि 1773 में गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को नियंत्रण में करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इसके तहत कर्मचारियों को उपहार लेना या व्यापार, निजी व्यापार करना, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को के पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल, या उसे कहें कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, और उसके अंदर अंदर मद्रास और बम्बई के आने लगे। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके तहत कंपनी के कार्यों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, जिसमें उसे राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण होता है। राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल की गठन किया जाता है, और कंपनी का वाणिज्यिक कर अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसके तहत भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, और मद्रास और बम्बई उसी के अंदर काम करते रहते हैं। कंपनी को पूरी तरह से व्यापार से मुक्त कर दिया जाता है। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की जाती है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के विरोध के कारण ये शुरू नहीं हो पाती है। उसके बाद 1853 में चार्टर अधिनियम आता है, जिसके तहत सिविल सेवा की शुरुआत होती है, मैकाले समिति का गठन होता है, और 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में सत्ता को ले लिया। 1861 काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ पे चेंजेज आए, विकेंद्रीकरण किया गया, मद्रास बम्बई को शक्तियाँ दी गई, विधायी शक्तियाँ दी गई। बंगाल में 1862 में विधानसभा का गठन हुआ, 1866 में पंजाब में, 1897 में विधान परिषद का यहाँ पे गठन हुआ पंजाब में। इस प्रकार से हम देखें तो 1892 में जो सदस्य थे उनको बहस करने के लिए मौका दिया गया, विधानसभा का विस्तार किया गया, और 1909 में जिसे मार्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और अनुपूरक प्रश्न पूछने बजट पर संकल्प की व्यवस्था की गई। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के एसोसिएशन का कार्यपालिका परिषद में जगह दी गई, जिसका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। उसके बाद मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 में, इसके तहत प्रांतों में द्वय शासन की व्यवस्था की गई। कुछ विषय गवर्नर जनरल के हाथ में थे और कुछ पे विधान परिषद को शक्तियाँ दी गई बनाने के लिए। उसी प्रकार 1935 का अधिनियम आया, जिसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थीं। संघ राज्य और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। केंद्र में द्वय शासन की व्यवस्था की गई। प्रांतों में जो 1919 में द्वय शासन की व्यवस्था लगी थी उसको हटा दिया गया। 10% जनसंख्या को मताधिकार का स्थान दिया गया, का अधिकार दिया गया। RBI की स्थापना की गई। तो इस तरह हम देखें तो कई सारे इम्प्रूवमेंट हुए, और लास्ट में जाके 1947 का अधिनियम आता है, जिसके तहत दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई, और
15 अगस्त 1947 को संप्रभु राष्ट्र की स्थापना हुई। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो भारतीय संविधान का निर्माण पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ और कब हुआ, फिर इसके बाद किस प्रकार से हम आगे बढ़े। तो हम आपको बता दें, संविधान सभा की मांग सबसे पहले M.N. राव ने रखी थी 1934 में, और 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की थी। 1938 में नेहरू ने ये घोषणा की कि भारतीय संविधान जब कभी बनाया जाएगा तो मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संविधान सभा का चुनाव होगा। और जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा तब अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव रखा कांग्रेस और भारत के नेताओं के सामने, जिसमें भी संविधान सभा का प्रस्ताव था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और 1942 में क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा की चर्चा थी, लेकिन मुस्लिम लीग के खारिज होने के कारण क्रिप्स मिशन, या ये कहें कि इसका गठन नहीं हो सका। और अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसने संविधान सभा के गठन के लिए प्रस्ताव रखा और चुनाव के आधार पर सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था की। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ, जिसमें कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 296 में ब्रिटिश भारत के थे और 93 रियासतों से लिए गए थे। ब्रिटिश भारत में 292 का चयन तो 11 प्रांतों से किया गया था और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया था। जो ब्रिटिश भारत का था वहाँ पे चुनाव से सदस्यों का चयन करना था, और जो 93 था वो जो रियासत के प्रमुख थे उनके द्वारा चयन किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानात्मक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान होने की व्यवस्था की गई। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी, आंशिक रूप से ये कह सकते हैं कि सारे जो सदस्य थे वो, उनका चुनाव नहीं हुआ था, कुछ नामांकित भी थे। 1946 के चुनाव से हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 और स्वतंत्र 15 सदस्यों ने विजय प्राप्त की। अब हम देखेंगे कि कार्यप्रणाली क्या थी। संविधान सभा की पहली बैठक, ये अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया गया। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये मालूम होगा कि संविधान, जब अंतरिम सरकार की गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में की गई, तब पहले तो मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया और बाद में कुछ दिनों के बाद उसमें जाके हिस्सा लिया। जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो उसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, और फ्रांस के तहत तरह तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। बहुत सारे कुछ पेपर प्रश्न पत्र में ये पूछा गया कि अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष तथा डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा B.T. कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आपको। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेशकश की गई। जैसा कि हमें मालूम है कि कैबिनेट मिशन को बाद में कुछ कारणों से लागू नहीं हो सका और अंत में माउंटबेटन ने अपना एक नया प्रस्ताव रखा और उसमें दो देशों का, ये कह सकते हैं कि देश का बंटवारा उसमें स्वीकार किया गया। तब जाके मुस्लिम लीग ने इससे सहमत हुए। संविधान सभा के कार्य जो थे, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाना और देश के लिए आम कानून लागू करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा ही देश की पहली संसद थी। जब बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे और जब विधायिका के रूप में होती थी तो जीवी मालवणकर उसकी अध्यक्षता करते थे। माउंटबेटन योजना होने के बाद तो मुस्लिम लीग तो अलग हो गई। जो सदस्य थे उनकी संख्या तब जा घट करके 299 पे आ गई, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांतों से और 70 रियासतों से हुए। भारतीय संविधान का निर्माण 2 साल 11 माह 18 दिन में कुल 11 बैठकों में पूरा किया गया। इसके बाद हम देखेंगे कुछ समितियों के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कुल 8 बड़ी समितियों का गठन हुआ था, जिसमें संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल थे, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष पटेल जी थे। इसके कई उप समितियाँ भी बनाई गईं, जिसमें 5 उप समितियाँ थीं। अभी हमने एक पेपर पढ़ा था जिसमें पूछा था अल्पसंख्यक समिति के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी साहब। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा अधिकांश रूप से छोड़े गए ऐसे क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ वरदोई जी थे। आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए ए वी ठक्कर साहब थे और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति का गठन किया गया। तो कुल 5 उप समितियों का गठन किया गया था और बड़ी समितियां में 8 में से प्रक्रिया समिति, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, काफी इंपॉर्टेंट समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, राज्यों के लिए समिति नेहरू थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 की किया गया। इसमें 7 सदस्य थे, अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, जो बी एल मित्रा के मृत जगह पर आए थे, ये स्वास्थ्य कारणों से हट गए थे बाद में, और टी टी कृष्णाचारी, डी पी खेतान की मृत्यु के बाद आए। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बड़ी समितियाँ 8 थीं, 5 उप समितियाँ थीं। उप समितियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष जे पी कृपलानी थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातियों के गोपीनाथ बरदोई साहब थे। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं, इनके नाम याद रखने जरूरी हैं। और ये अक्सर पूछ लिया था कि प्रारूप समिति में एन माधवराव किसकी जगह पर आए थे या टी टी कृष्णाचारी किसकी जगह पर आए थे। तो एन माधवराव बी एल मित्रा की जगह पर आए थे, जो स्वास्थ्य कारणों से हट गए थे, और टी टी कृष्णाचारी जो थे डी पी खेतान के मृत्यु के बाद आए थे। तो 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान
प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद और अन्य 8 अनुसूचियां थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में लिया गया था। ये आप वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, एच बी आर अय्यर संविधान के सचिव थे, एल एन मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को प्रमुख, सुलेखक थे ये प्रेम बिहारी नारायण। सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के मदन लाल बोस तथा राम मनोहर सिन्हा जी थे। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण बैद ने किया था और इसका हिंदी संस्कृत संस्करण का अलंकृत किया था नंदलाल बोस ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और संविधान सभा की समिति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको मैंने कवर किया। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा संविधान सभा की प्रमुख या संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।